रजनी तुम वापस आ गई। रजनी मैम क्या आप किसी और घोस्ट हंटर को ढूंढ पाई? हाँ। रजनी उन्हें बताती है कि क्रोनोस पृथ्वी को कैप्चर करना चाहता है, उसे इंसानी रूप और पृथ्वी में आने के लिए ताकत चाहिए, तो वो टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय करके उनकी एनर्जी ले रहा है। करण और आदि मिलके पृथ्वी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा दोस्त आदि कितना बहादुर है। अब हमें अलग अलग यूनिवर्सेस में जाकर डिवाइसेस को एक्टिवेट करना होगा जिससे वह यूनिवर्स का बैलेंस ठीक हो जाए और क्रोनोस उनसे शक्तियाँ नहीं ले पाए। हम रेडी है, बताओ हमें क्या करना है। हाँ हम तुम्हारे साथ है रजनी मैम। तभी वहाँ पे करण आ जाता है और यश और आलिया को फायर यूनिवर्स में भेज देता है। यहाँ बहुत गर्मी है, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। एक मिनट चंद्रमाला। वाह यश, ये पावर्स मुझे भी चाहिए, फिर मैं सब गुंडों की बैंड बजा दूंगी। ये रिसर्च पेपर्स ये तो क्रोनोस के बारे में है। क्रोनोस एक एशियंट एआई एंटिटी है जो कोलैप्सिंग टाइमलाइन से एनर्जी लेता है। जितनी ज्यादा टाइमलाइंस कोलैप्स होगी उतनी ही ज्यादा उसे पावर मिलेगी। अगर क्रोनोस को नहीं रोका तो सारी यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगी। हमें जल्दी से इसे रोकने का प्लान बनाना होगा। लेकिन यहाँ से निकलूं कैसे? ये करण क्या मैजिक चला रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। करण को देखते ही मेयू उसे मारने लगता है, लेकिन करण पे उसका कोई असर नहीं होता। क्या चीज हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो करण? मैं एक एआई हूँ करण का बनाया हुआ। तुम्हारा आईक्यू बहुत ज्यादा है तो क्रोनोस को कैसे हराना है तुम ही समझ सकते हो। मुझे इस यूनिवर्स में क्रोनोस से रिलेटेड कुछ क्लूज मिले हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। क्या चाहता है ये क्रोनोस? करण मेहुल को क्रोनोस के बारे में सब बता देता है। ह्यूमन फॉर्म लेकर वो पृथ्वी पर राज करना चाहता है। ये लो, इसका बटन दबाते ही मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। मुझे यहाँ थोड़ा और समय चाहिए ताकि मैं चीजों को समझ पाऊँ। वहीं ये सब चीजों से अनजान जयकाल ने मुंबई में जगह जगह अटैक शुरू कर दिए हैं। जयकाल ने अटैक कर दिया है, सभी यूनिट्स को डिप्लॉय करो। सेंट्रल, वी नीड बैकअप, जयकाल्स फोर्सेस आर टू स्ट्रॉन्ग। डिटेक्टिव मेहुल कहाँ है? हमें उनकी जरूरत है। कोई भी अब हमें नहीं रोक सकता, मुंबई हमारी है। हमें ध्यान से चलना होगा, ये जगह बहुत ही डेंजरस है। हे राम, एक गलत कदम और हम जल जाएंगे। शायद मैं न जलूं, लेकिन तुम जल जाओगी। वहीं रुक जाओ, तुम आगे नहीं जा सकते। यश, ये लोग हमें आगे जाने नहीं देंगे। हमें इन्हें लड़कर पार करना होगा, तैयार हो जाओ। यश की चांद ऊर्जा ये क्रीचर सह नहीं पाते हैं और धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। वाह, मजा तो आया, लेकिन मेहुल सर यहाँ होते तो और ज्यादा मजा आया होता। ये डायरेक्शन शायद हमें डिवाइस तक लेके जाएगा, इन्हें फॉलो करते हैं। यश, ये सिंबल शायद किसी एंशियंट लैंग्वेज के है, हमें इनका मतलब समझना होगा। यश और आलिया उन लेटर्स को समझने की कोशिश करते हैं। सभी एरो बीच में पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन इस एक एरो को देखो, वो अलग डायरेक्शन में है। मतलब यही शायद हमें उस डिवाइस तक लेके जाए। वाह आलिया! दोनों उस डायरेक्शन में निकल पड़ते हैं। उधर ईशा रोबोट यूनिवर्स में पहुंच जाती है। वाह, ये यूनिवर्स तो साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा है। मुझे कुछ क्लूज ढूंढने होंगे, ये डिवाइस कहीं तो होगा। ये आवाज, ओह नो, ड्रोन दिशा का पीछा करने लगते हैं।
उशासी, तैयार हो जाओ। ईशा कभी यहाँ तो कभी वहाँ, बड़ी स्मार्टली ईशा ड्रोन्स को चकमा देते हुए आगे बढ़ती है। फाइनली इनसे छुटकारा मिला। मुझे यहाँ से कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है, लगता है डिवाइस यहीं कहीं है। ये रोबोट गार्ड्स तो काफी पावरफुल लगते हैं, मुझे इनसे बचकर अंदर जाना होगा। मुझे हर कदम संभल कर रखना होगा, ये जगह ट्रैप्स से भरी हुई है। ईशा स्किलफुली लेजर्स को डॉज करती है और बच निकलती है। इंट्रूडर डिटेक्टेड। Intruder detected. Initiating defense protocols. मुझे इसे हराना ही होगा। यह डिवाइस एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। रजनी और भील प्लांट यूनिवर्स में एंटर करते हैं। ये जगह तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन हमें डिवाइस को ढूंढना होगा। रजनी ध्यान से, ये जंगल बहुत ही खतरनाक लगता है। मुझे कुछ एनर्जी महसूस हो रही है, लगता है डिवाइस यहीं कहीं है। भील, ये पेड़ पौधे जिंदा हैं, हमें बहुत संभल कर चलना होगा। मुझे भी अब यही लग रहा है। इस यूनिवर्स के प्लांट बहुत शक्तिशाली और समझदार है। भील संभल के, ये पेड़ हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तुम यहां नहीं जा सकते खुश पेटिया। इन पेड़ पौधों से निपटना मुश्किल है। मुझे इनके वीक पॉइंट ढूंढने होंगे। भील, ये रास्ता साफ हो गया है, जल्दी चलो। हाँ चलो, यहां से निकलते हैं। ये क्या है? स्टोन, क्रोनोस और स्टोन, ये दोनों का क्या कनेक्शन हो सकता है? मेहुल, क्या तुमने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवर किया है? क्रोनोस कोई एनर्जी या स्टोन की शक्तियों से बना हुआ है, लेकिन वो क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे थोड़ा और रिसर्च करना होगा ये समझने के लिए। मुझे पता था तुम ही ये कर सकते हो। मुझे आदि की भी जरूरत होगी, इसी यूनिवर्स में शायद हमें आगे के क्लूज मिलेंगे। आदि को यहाँ पे जल्दी भेज दो। करण, मुझे कुछ और यूनिवर्स का डेटा चाहिए क्रोनोस की एक्टिविटीज का पैटर्न समझने के लिए। क्रोनोस बहुत ही तेजी से एनर्जी कलेक्ट कर रहा है,
हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ, और हमें टीम को सुरक्षित रखना होगा। सभी यूनिवर्स का बैलेंस रिस्टोर करना जरूरी है। मेहुल को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, तुम्हें मेहुल की मदद के लिए जॉम्बी यूनिवर्स में जाना होगा। करण तुरंत आदि को जॉम्बी यूनिवर्स में मेहुल के पास भेज देता है। मिलके हम क्रोनोस को खत्म कर देंगे। अब क्या होगा आगे, कैसे हराएंगे क्रोनोस को? आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में।